नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पकवानों की जायका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बेसन के गट्टे की एकदम न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, जो आज से पहले ना आपने कहीं खाई होगी ना आपको कहीं देखी होगी। बहुत ही यूनिक है और बहुत ही हेल्दी है। मैं पालक से बनाऊंगी और बहुत ही सॉफ्ट गट्टे की सब्जी बन के तैयार होगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, एकदम यूनिक एकदम स्वादिष्ट सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पालक को पहले लेके उसके डंठा तोड़ के अच्छे से धो लिया है। हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और पालक को मैं पीस के पेस्ट बना लूँगी। हाफ गड्ढी है पालक की, उसको धो लिया था। तीन चार हरी मिर्च थी, छः सात लहसुन कलियाँ थी, एक इंच अदरक का टुकड़ा था, उसको मैंने पीस के पेस्ट बना लिया। अब एक बड़े बर्तन, दो कप मैंने बेसन डाल दिया, हाफ टी स्पून अजवाइन है, इसको हाथों से मसल के डाल देंगे। इसके बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जब भी कोई बेसन की रेसिपी बनाते हैं उसमें ज़्यादातर अजवाइन ज़रूर पड़ती है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा नमक डाल दिया, उसको मिक्स कर लेंगे। 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जो पालक का मैंने पेस्ट बनाया था ना, इसको डाल देंगे। अब इसी से मिक्स करके इसी से डो बनाना है। हमको पानी का यूज़ नहीं करना है। यदि आपको लगे कि आपका डो नहीं बनना है तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लें, हाथ से मसल के मैंने डो दे के बना लिया। अब इसको हम थोड़ा सा आटा लेके इसको पतला पतला ऐसे लंबा करते हुए एकदम पतला इसकी लोई एकदम पतला बनाएंगे, रोल करते हुए एकदम पतली हो गई। अब इसको हम चाकू से छोटी छोटी पीस काट लेंगे, एकदम छोटी छोटी पीस काटेंगे, क्योंकि जो हम इसको रोल अभी उसकी बॉल बनाएंगे तो हमको बड़ी बॉल नहीं बनानी, एकदम छोटी। अब हथेली में लेके इसको छोटी छोटी बॉल बना लें, सारी बॉल इसी तरह बना लेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। इसको एक बार बना के ज़रूर खाइएगा और हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए मैंने सारी बॉल तैयार कर ली है। अब गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा के पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी मेरा गर्म हो गया, देखिए कितनी भाप निकल रही है। इसमें 2 चम्मच मैं ऑयल डाल दूँगी, और जो सारी बॉल बेसन की तैयार करके रखी ना इसी में मैं डाल दूँगी, सारी बॉल इसी में डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर मैं ऐसे पकने दूंगी, जब पानी में उबाल आने लगेगा ना तो हम ढक के फिर इसको 5-10 मिनट के लिए और पकाएंगे, क्योंकि पानी में डालने से पानी ठंडा हो गया था तो मुझे तुरंत पहले इसको गर्म होना होगा पानी। देखिए पानी में उबाल आने लगा, अब इसको हम ढक के 5-7 मिनट और पकने देंगे। इसे आप एक बार मेरे कहने से बना के ज़रूर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, न्यू है, एकदम यूनिक। आप जब इसको खाएंगे तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बॉयल हो गया, हम इसको पहले निकाल के छू के देखेंगे। ऐसे पक गया लेकिन मैं फिर भी मैं एक बार छू के देख लूँगा। ये देखिए दब गया, मेरा परफेक्ट एकदम तैयार हो गया। इसको पानी से निकाल के दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, पानी छान के, पानी एकदम नहीं रहना चाहिए। अब गैस में मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है, एकदम भाप निकली, देखिए एकदम गर्म, लेकर अब ऑयल भी गर्म हो गया। अब इसमें मैंने जितने बॉल्स निकाली है इसको डाल देंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके भी फ्राई कर सकते हैं, मैंने एक साथ डाल दिया, एक साथ डाल के ही फ्राई हो जाएगा, चपके का नहीं, बस हमको 2-3 मिनट इसको फ्राई करना है। उससे उसका थोड़ा जो कच्चापन आता है बेसन का, ऐसे फ्राई होने से बहुत टेस्टी लगेगा। ये हो गया, अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए इसको कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये मटर नहीं है, जो भी देखेगा यही सोचेगा कि मटर की सब्ज़ी आपने बनाई है। मैं इसकी सब्जी बनाऊँगी ग्रेवी वाली, सारी को मैं इसी तरह निकाल लूँगी। देखिए कितनी सुंदर एकदम मटर लग रही है, ये ग्रीन वाली मटर होती है ना, उसको अब तल लीजिए। अब ये मैंने 2 बड़े प्याज हैं, 7-8 लहसुन कलियाँ, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक टुकड़ा, इसको मैं पीस लूँगी। टमाटर मैं अलग से पीसूँगी, जिसमें ऑयल में मैंने तल के निकाला था ना उसी में मैंने प्याज वाला मसाला डाल दिया है। अब इसको लो फ्लेम करके इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे, कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। तब तक जब थोड़ा भून जाएगा तो मैं सूखे मसाले डालूँगी, इसी तरह लगातार चलाते हुए भूनेंगे लो फ्लेम में।
अब देखो ऑयल छोड़ने लगा। अब मैं थोड़े सूखे मसाले डालूँगी। दो चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे क्योंकि मैंने हरी मिर्च उसमें पीसी थी और मसाले में भी, और मटर जो बना बेसन की बॉल बनाई है उसमें भी मैंने हरी मिर्च को पीसा था। थोड़ा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को भुनेंगे। अब देखिए मसाला भुन गया है। इसमें जो टमाटर मैंने दो बड़े टमाटर लिए थे उसको अलग से पीस लिया था उसको डाल देंगे और इसको भी चलाते हुए लगातार चलाते हुए भुनेंगे। ये भुन गया। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून दही डाल देंगे। ताज़ा फ्रेश दही है, खट्टा नहीं है, खट्टा दही नहीं डालना है और लगातार चलाते जाएंगे नहीं तो दही फट जाएगा। जब फटाफट मसाले से दही डालने के बाद लगातार चलाते चलाते हुए मसाले को भुनना पड़ता है। ये मेरा मसाला भुन गया। अब हम इसमें पानी डाल के ग्रेवी लगा देंगे। ऐसे चलाते हुए ढक के ग्रेवी को पकने देंगे। रसा लग गया। अब ढक के हम इसको पकने देंगे 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। जैसे ग्रेवी पक जाएगी तब इसमें देखिए, अब इसको दबा को दिखा देंगे कितना स्पंजी, कितना सॉफ्ट है, एकदम हार्ड नहीं है। 5 मिनट तक हो गया। अब इसको हम खोल के देखिए ग्रेवी मेरी तैयार हो गई है और उसमें डाल देंगे। डाल के हम ढक के फिर इसको चलाएंगे 5 मिनट तक इसको फिर पकाएंगे, जिससे कि ये जो बॉल्स हैं उसमें ग्रेवी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले अपने में। अगर तुरंत निकाल देंगे तो अलग अलग हो जाएगा। 5 मिनट तक इसको और पकाएंगे। तो ग्रेवी पहले से पकी थी और यही पकाया हुआ है तो बस 5 मिनट तक पका के गाढ़ा कर लेंगे। अब मेरा तैयार हो गया। गैस बंद करके मैं इसको उतार लूँगी, अलग कर लूँगी। इसको मैंने निकाल लिया गैस। अब इसको तड़का लगाएंगे इसमें। तो फ्राई पैन रख दिया, ऑयल डाला, 2 टेबलस्पून ऑयल डाला, उसमें जीरा डाल दिया है। अब 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, 1 टीस्पून उसमें कसूरी मेथी डाला है। अब इसको तुरंत पहले निकाल लेंगे इसको दूसरे बाउल में अपनी सब्जी को। आपको देख के पता चलना होगा कि कितनी अच्छी, कितनी टेस्टी और कितनी यूनिक सब्ज़ी है। कोई भी इसको अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई भी देख के तो कह ही नहीं सकता है कि मटर की सब्ज़ी नहीं है। देखने में लग रही एकदम मटर की सब्ज़ी है। अब इसको मैंने तड़का लगा दिया। इसको ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। बना के खाइए, खिलाइए, इंजॉय करिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अच्छी लगेगी तो शेयर करिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।